गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आने से पहले मैं एक बात करता हूँ, किसका, एटम का। किसका बात करते हैं, एटम का बात करते हैं। तो किसी भी एटम में, किसी भी एटम, एटम किसका बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम में क्या क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे और, तो न्यूक्लियस में तो क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में कौन मोशन करता रहता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, इसी टाइप में रहते हैं। तो न्यूक्लियस में तो कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और, ठीक है, और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रोटेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, किसका, करंट का बात करें, तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज की वजह से। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज की वजह से, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आया, चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली क्या है कि एक टाइप का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या हो सकता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हम देखो किसी पर भी कोई भी एटम है जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एन नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। यदि अब हम इससे क्या करें, एक न्यूक्लियर, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, अब हम इससे क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो जब इस पर चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस सी। अब यदि हम इससे क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो इस पर चार्ज कितना आ गया, प्लस सी। और यदि हम इसको क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन दे दें, यदि हम इसको क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन दें, तो इस पर क्या आ गया, चार्ज, माइनस सी, ठीक है। तो करंट हमेशा किसकी वजह से फ्लो करता है, चार्ज के फ्लो की वजह से। करंट हमेशा किसके फ्लो की वजह से, करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, जब तक चार्ज का फ्लो होगा तब तक क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा हो कि हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉम्ब या फिर कोई भी एक स्केल लेते हैं, उसको क्या करते हैं, लगातार हेयर से रफ करते हैं और उसके बाद उसके नियर कोई भी क्या लाते हैं, पार्टिकल लाते हैं, किस, पेपर पार्टिकल लाते हैं, तो वो पेपर पार्टिकल उसकी साइड क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसकी साइड क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उसको रब करने से क्या हुआ, रब करने की वजह से उस पर कुछ चार्ज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। उस पर चार्ज क्या हो जाता है, उस सरफेस पर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जिससे हम चार्ज को किसी भी सरफेस पर जनरेट कर सकते हैं। तो चार्ज कितने टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड एज करंट। जनरली हम इसको यही बोल सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आप लोगों ने देखा हो कि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे डिवाइस रहते हैं, जैसे कि फैन है, कुछ है, तो कभी कभी जब हम रेफ्रिजरेटर, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर को कभी कभी हम कॉर्नर से टच करते हैं, कॉर्नर से क्या करते हैं, टच करते हैं, तो हमें एक साथ कुछ ना कुछ करंट फील होता है, हमें एक करंट या हमें एक शॉक टाइप का फील होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि कॉर्नर्स पे क्या होता है, चार्ज
कॉर्नर पे क्या हो जाता है, चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और वही चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू किसमें फ्लो करता है, अर्थ में फ्लो करता है। तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा क्या आ जाएगा, करंट। जब भी चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, तब क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज इन द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज करंट। अब करंट के जो फ्लो करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वो होती हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का फ्लो करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने देखा हो कि हमेशा जो कोई भी, यदि हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड मूव करता है। हीट हमेशा किधर से किधर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड मूव करता है। जैसे कि आपने देखा हो कि वाटर हमेशा क्या होता है, हाई हाइयर सरफेस से किधर जाता है, लोअर सरफेस में। यदि कोई वाटर देखा जाए कि हम एक हाइट पर है, वहाँ से वाटर ड्रॉप करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो करंट है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड में मूव करता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड में मूव करता है, सॉरी। ठीक है, अब सही। हाँ, तो अब देखो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। रियल में करंट में कौन फ्लो करता है, चार्ज। रियल में करंट में कौन फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन चार्ज, फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, हम उसको क्या बोल देते हैं, करंट। हम उसको क्या बोल देते हैं, करंट। बात समझ में आई? तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की साइड में। ठीक है, तो करंट किधर से किधर फ्लो कर गया, हायर से लोअर। अब इसके बाद एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक नेक्स्ट टर्म क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या, ये इट इज द डिफरेंस। जनरली डिफरेंस लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उन दोनों का, यदि हमें गिवन है कि यहाँ पर पोटेंशियल है ए, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, इस पर पोटेंशियल है वी ए, और इस पर पोटेंशियल क्या है। अब पोटेंशियल का जो साइन होता है ये भी याद रखना, पोटेंशियल को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी वोल्ट। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा वोल्ट से। इसका साइन याद रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हो, वोल्ट से। ठीक है, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। ठीक है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, ये भी लिख लेना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, चार्ज का यूनिट पता है ना क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। यदि याद है तो मत लिखो, नहीं है तो दो बार लिखो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी वी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा वी,
डिफरेंस का हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा वी। ये क्या होगा, वी वी माइनस वी ए। ये क्या होगा, वी वी माइनस वी ए का मॉड। ये मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। या तो वी ए बड़ा हो सकता है या फिर वी वी भी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। मॉड मतलब क्या होता है कि हमेशा ये नेगेटिव को क्या करके देगा हमें, पॉजिटिव। ये हमेशा नेगेटिव को क्या करके देगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की साइड में। और करंट में रियल में फ्लो कौन करता है, चार्ज। करंट में रियल में फ्लो कौन करता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हो तो हमेशा हम लोगों को जो करंट लगता है, हमेशा हम लोगों को जो करंट लगता है, तो क्या होता है रियल में कि हम अर्थ का पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं, जीरो। इन रियलिटी अर्थ का पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो। इन रियलिटी वी सपोज पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। तो अब देखो मैं कैसे बताता हूँ क्या फ्लो कर रहा है, अर्थ इज जीरो। देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या मान लें, ये मेरा ग्राउंड है। ये क्या है, मेरा ग्राउंड। यहाँ पर तुम खड़े हुए हो, यहाँ पर तुम खड़े हुए हो। यहाँ पर रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर स्टैंड पर रखा हुआ रहता है। किस पर रहता है, स्टैंड पर। जैसे ही तुमने क्या किया, इसके इस पॉइंट को टच किया, तुमको क्या लगता है, करंट फील होता है। तुमको हमें से क्या फील हुआ, करंट फील हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज एकोमोडेट रहता है। यदि यहाँ पर चार्ज क्या है, क्यू। जहाँ पर भी चार्ज रहेगा, जहाँ पर भी चार्ज रहेगा, उसके आसपास पोटेंशियल भी जनरेट है। उसके आसपास क्या रहेगा, पोटेंशियल भी रहेगा। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, सपोज करो वी। यहाँ पर क्या है, कुछ पोटेंशियल वी। यहाँ पर क्या है, अर्थ। तो अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल है वी, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो देखो ये कौन सा, हायर पोटेंशियल पर, ये किस पर, हायर पर, ये किस पर, लोअर पर। देखा, तो चार्ज क्या करेगा, तुरंत फ्लो करेगा किसके थ्रू, ह्यूमन बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू फ्लो करेगा, ह्यूमन बॉडी के थ्रू। किस में फ्लो करेगा, अर्थ में। समझ में आया। तो जैसे ही चार्ज फ्लो करता है, जैसे ही चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर इन पर यूनिट टाइम या इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाता है, करंट। तो उसी लिए हमें क्या लगते हैं, शॉक लगते हैं, या हमें करंट फील होता है। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आ गई। तो अर्थ का पोटेंशियल हमको क्या पता रहता है, जीरो। और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। तो जैसे ही हमने इस रेफ्रिजरेटर को टच किया, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम रेफ्रिजरेटर को टच किया, यहाँ पर क्यू चार्ज क्या हो गया, अकोमोडेट हो गया। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल जनरेट हो गया। जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हुआ, अर्थ का पोटेंशियल क्या, जीरो। हमने इसको जैसे ही टच किया, जैसे हमने इसको क्या किया, टच किया, तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या एक रीजन मिल गया, चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या मिल गया, एक रीजन मिल गया। और जैसे ही चार्ज को फ्लो करने के लिए रीजन मिला, तो चार्ज यहाँ से हायर पोटेंशियल से काम कर गया लोअर पोटेंशियल साइड। और जैसे ही चार्ज बॉडी से फ्लो करेगा, तो जैसे ही चार्ज फ्लो करता है, तो क्या करंट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो गया, करंट जनरेट हो गया। और करंट जनरेट होते ही हम लोगों को क्या लग गया, एक स्पार्क, शॉक बोल सकते हो। और तुरंत हम क्या करते हैं, उस प्लेस से अपना हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो बोलो कहानी समझ में आया। इसके बाद का कहानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को सेल और इन सब के बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले लिख लेना, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड।
क्योंकि मैंने क्या बोला, करंट का डेफिनेशन क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर इन द टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल तो कूलम पर सेकंड, इसे ही हम क्या बोल देते हैं एम्पियर, इसे हम क्या बोल दिए, अरे देखिएगा एम्पियर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया कूलम, और यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया कूलम पर सेकंड, एवरेज स्क्वायर क्या बोल दो एम्पियर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।